हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि हिस्ट्री के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। यानी जो हिस्ट्री के टाइम पीरियड के जो टर्म्स हैं BC और AD क्या होते हैं, BC और AD उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ BCE और CE क्या होता है टाइम पीरियड में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस होता है, तो इस सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम दो क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं जो कि आपको काफ़ी कन्फ्यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, कल हमने बौद्ध संगीत के बारे में पढ़ा था कल की क्लास में, तो उसमें तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया। तो देखिए, यहाँ पर चार जो ईयर हैं वो आपको दिए हुए हैं, बट अगर जब तक आपको AD और BC का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे सकते। और ये आप देखिए, दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दोनों आपको मे बी जो सन है वो पता हो सकता है, बट अगर आपको AD और BC का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को करने में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे लास्ट में, पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट BC और AD से रिलेटेड। तो देखिए, जो BC है और AD है तो ये टाइम पीरियड कब आए, तो देखिए सबसे पहले ऐसा सोचा गया कि जो इतिहास का समय है, जो एंशियंट हिस्ट्री का समय है, तो उसको कैसे उसका मेजरमेंट किया जाए। क्योंकि पहले हम लोग स्टोरी में कहीं अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है बहुत सालों पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर था, तो इस प्रकार से स्टोरी बनाई जाती है। तो आज को वर्तमान को मानक मान के हम ऐसा कह देते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, बट अगर उस टाइम पीरियड को डिसाइड करना है ईयर के बेसिस में तो उसको किस प्रकार से किया जाए, तो फिर इस पर चर्चा की गई और ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि हमको एक मानक मानना चाहिए जहाँ से हम इस टाइम का मेजरमेंट कर सकें। तो यहाँ पर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पर मानक माना गया, यानी इनके जन्म को बेस में रख कर इनके जो पहले का समय है उसको कहा गया BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है उसको कहा गया BC, और इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। तो उस टाइम पीरियड को बिफोर क्राइस्ट कहा गया, यानी इसे ही कहा जाता है ईसा पूर्व। तो हिंदी में इसे कहा जाता है ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ये समय होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय। और इसी प्रकार से हम को अगर कोई टाइम पीरियड डिसाइड करना है और वो बहुत पहले का है तो हम उसको BC में डिनोट कर देते हैं। जैसे जो भी वैदिक सभ्यता रही या जो भी बौद्ध धर्म का उदय रहा तो उसको हम BC में ही पढ़ते आए हैं, हम NCERT पढ़ भी रहे हैं इस समय, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जो BC में जो टाइम पीरियड है यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है, BC में जो समय चलता है वो यहाँ पर उल्टा चलता है। यानी सबसे पहले 500 BC के बाद है, उसके बाद आएगा 400 BC, फिर 300 BC, और इस प्रकार से समय घटते हुए क्रम में आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के जो बात का समय है उसे हम कहते हैं AD, और AD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एन्नो डोमिनी, जो कि लैटिन भाषा का एक टर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी, और इसे ही ईसवी भी कहा जाता है। तो देखिए, BC ईसा पूर्व होता है और AD ईसवी होता है। तो जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय है उसे माना गया AD, यानी उसको AD से डिनोट किया जाएगा। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो वर्तमान का आप टाइम पीरियड देख रहे हैं तो ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में ही रहेगा। जैसे 2020 के बाद 2021 आया, और जैसे यहाँ पर 1857 है तो इसे हम AD में डिनोट करेंगे। फिर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसे भी AD में ही डिनोट किया जाएगा। और बात करें अगर हम बौद्ध धर्म के उदय की, तो बौद्ध धर्म कब भारत में आया, तो ये आया लगभग 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व जीसस क्राइस्ट के जन्म के 600 वर्ष पहले बुद्ध धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, तो उसे हम BC में मापेंगे। और भारत कब आज़ाद हुआ, तो ये आज़ाद हुआ 1947 में, और ये 1947 क्या है, ये है AD यानी कि ईसवी। तो अब आप अच्छी तरीके समझ गए होंगे BC और AD में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब इससे क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो इसमें यानी वो इस टाइम पीरियड को मानने के लिए राज़ी हो गए कि हम ठीक है इसी को टाइम पीरियड माना जाएगा। बट जो अलग धर्म के लोग थे, क्योंकि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की बात की गई है, ईसा मसीह की बात की गई है, तो कुछ जो अन्य धर्म के लोग हैं यानी जैसे ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, तो उन्होंने
इस मानक को मानने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने कहा अपना खुद ही एक क्राइटेरिया बनाएंगे, क्योंकि उनको जीसस वर्ड से प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो अलग धर्म से बिलोंग करते थे। इसीलिए सेकुलर लोगों ने, यानी जो धर्म को नहीं मानना चाहते, तो उन्होंने फिर एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला, बीसी और बीसीई का कॉन्सेप्ट, बीसीई और सीई का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम आगे देखते हैं। अब एक फिगर के माध्यम से अच्छी तरीके से हम इन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो यहाँ से जो पहले का समय है उसे कहा गया बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जो बाद का समय है उसे कहा गया एनो डोमिनी, या इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। तो इसे क्रिश्चियन टर्म में ही कहा जाता है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और एनो डोमिनी जो उनके बाद का समय है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय है। बट जो सेकुलर लोगों के लिए, यानी जो ज्यूज थे या अन्य धर्म के जो लोग थे, उन्होंने नया कॉन्सेप्ट निकाला बीसीई का, यानी बिफोर द कॉमन ईरा। यानी बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर द कॉमन ईरा। उन्होंने बेस वही माना, बट उन्होंने ये ना कहकर, बिफोर क्राइस्ट ना कहकर, उन्होंने इसे बिफोर द कॉमन ईरा कहा। इससे यह क्या हुआ, ये टर्म्स हो गया सेकुलर, यानी इसे किसी भी धर्म के लोग इसे लागू कर सकते हैं, यानी इसको मान सकते हैं। और फिर इसी प्रकार से एडी और सीई में, सीई का फुल फॉर्म है कॉमन ईरा। तो देखिए, बीसी और बीसीई दोनों सेम टर्म है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है, इनको केवल अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बीसी मानते हैं, जो अन्य हैं ज्यूज हैं वो इसे बीसीई में इसका मेजरमेंट करते हैं, इस टाइम पीरियड का मेजरमेंट करते हैं। और इसी प्रकार से एडी और सीई, ये भी दोनों सेम ही टर्म है, बस अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग टर्म माने जाते हैं। और जो बीसी है इसे ही कहा जाता है ईसा पूर्व, और जो एडी है इसे कहा जाता है ईसवी। तो इस प्रकार से इन टर्म्स को हम यूज करते हैं, हिस्टोरिकल टर्म्स हैं ये, अपनी हिस्ट्री में इनका हम यूज करते हैं। और इस समय हम एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये टाइम पीरियड काफ़ी हमको कन्फ्यूज करने वाला था, क्योंकि हमने जो आज ही यानी कल ही पढ़ा है जो बौद्ध संगीत के बारे में, तो वहाँ पर भी जो टाइम पीरियड है वो बदला, यानी हम ईसा पूर्व से अब ईसवी वाले समय में आ गए हैं। और आगे जब भी हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर सभी चीज़ें हमको एडी में मिलेंगी, तो ये टाइम पीरियड हमें काफ़ी कन्फ्यूज कर रहा था, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, जो तीसरी बौद्ध संगीत थी उसका आयोजन किया गया था 251 बीसी में। तो 251 बीसी में इसका आयोजन किया गया था तीसरी बौद्ध संगीति का। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 254 सीई, तो देखिए 54 वाले दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। सीई और बीसीई ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, और यहाँ पर बीसी के समकक्ष ही है बीसीई, ये दोनों क्या हैं, सेम है, यानी ये दोनों टर्म सेम है, और सीई और एडी सेम है। और 251 एडी तो ये हो गया कौन सा समय, ये हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और एडी में तो ये हुई नहीं थी जो तीसरी बौद्ध संगीति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 251 बीसी में इस तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, और सीई और एडी, बीसी और बीसीई को भी हमको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है, जो बीसीई और बीसी ये दोनों सेम होते हैं, और एडी और सीई ये दोनों सेम होते हैं। और इसी प्रकार से हर्षवर्धन ने पांचवीं बौद्ध संगीति का आयोजन कब करवाया? तो आपको यहाँ पर सन याद है कि 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने पांचवीं बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। अब देखिए, सीई है लेकिन यहाँ पर 641 है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। फिर आता है 643 एडी, और 643 एडी यानी कि एडी को ही क्या कहा जाता है, हम ईसवी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 643 एडी। फिर नीचे आता है 643 बीसी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो सन है, जो ईयर है वो तो सही है, बट जो बीसी है यानी ये पहले का समय हो गया, और ये जो हर्षवर्धन ने पांचवीं बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था ये 643 ईस्वी में कराया था, ना कि ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होता है। और फिर आता है 643 बीसीई, और बीसी और बीसीई दोनों सेम होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग ये क्वेश्चन थे, और अब आप अच्छी तरीके से इन टर्म्स के बारे में समझ गए होंगे। और आगे जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो आई होप आप उसे गलत नहीं करेंगे, सही टिक करेंगे। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए चैनल से, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।